फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में करने वाले डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अंजलि पाटिल, अतुल कुलकर्णी, मकरान देशपांडे जैसे स्टार्स इंपॉर्टेंट रोल में हैं और ये फिल्म एक सोशल इशू पर बेस्ड है। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये जरूर जान लें कि ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। फिल्म की कहानी है घाटकोपर की झोपड़ी में रहने वाले एक माँ बेटे की। माँ दिन भर कढ़ाई का काम करती है और उसका छोटा बेटा पूरे बस्ती में मौज मस्ती करता रहता है। इस पूरे बस्ती में एक ही प्रॉब्लम है और वो है शौचालय का ना होना। ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए है जिन्हें अंधेरा होने के बाद और आधी रात में जाना पड़ता है। इस बीच उस बच्चे की माँ के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और तब उसका बेटा प्रधानमंत्री को लेटर लिखता है। इसके बाद फिल्म की असली कहानी शुरू होती है जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स का कहना है कि डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एक सोशल इशू पर फिल्म बनाते हुए उसमें एंटरटेनमेंट पार्ट का खासा ध्यान रखा है और एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। स्टार्स की एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में छोटे बच्चे से लेकर बाकी स्टार्स ने भी शानदार काम किया है। फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। फिल्म का म्यूजिक भी सिचुएशन के हिसाब से ठीक है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप एक सोशल इशू से जुड़े फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स मिले हैं। क्या बोले यार, आपने तो ऑलरेडी पीछे दिख रखी है। सेंटर बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बहुत अच्छे स्टार्स मिले हैं। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है और मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगी। जी, इसी के साथ में जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, जब सब लोग इतनी तारीफ करते हैं काम की, एंड तो लगता है कि मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है, जो जितना सोचा था उससे उतना मिल गया। मेहनत का क्या है, मेहनत आप करते जाओ, रंग अपने आप उसका और निखरता जाएगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं है, नहीं था, अभी भी नहीं है कि मतलब फिल्म के बाद कितनी सक्सेस होगी, क्या होगी। बस जो भी है वो काम शिद्दत से कर रही हूँ, करती रहूँगी और बाकी सब तो आप सब लोगों के हाथ में है। एंड कल रिलीज हो रही है, क्या चल रहा है अभी मन में, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं? एक्सपेक्टेशन तो एक्चुअली कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ये फिल्म देखें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनी हुई फिल्म है और बहुत प्यारी फिल्म है और एक फैमिली की फिल्म है, तो सब आई होप सब पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोग भी सर लुक सेंटर राहुल।
पीछे कर दे राहुल, पीछे राहुल, तेरे पीछे ये सर, सर राइट, सर आपके लेफ्ट है, सर राइट में, सर सर सेंटर, थैंक यू, थैंक यू, अंजलि मैम, ये मैम, यहाँ यहाँ फोटो सर, हाँ हाँ विजुअल्स कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे कि दिमाग ब्लैंक हो गया और मतलब जाहिर है नर्वसनेस तो होती है इम्तहान से पहले, बट सब ने मेहनत की है, प्रेपरेशन है, अब काफ़ी टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई हैं हमारी, कंप्यूटर से शुरू हुआ था जहाँ सबसे पहले सदगुरु ने देखी, कोई 1200 लोगों ने देखी, फिर अहमदाबाद में 3-4 शो हुए, फिर दिल्ली में 2-3 हुए, चंडीगढ़ में मिल्खा सर, सुनील गवास, तो सबका आशीर्वाद मिला है, अब बस ऑडियंस से जो प्यार मिलता है वो मिले और मिले। ओके सर, जिस तरीके से मतलब अगर इतना अच्छा रिव्यू आ रहा है, इतनी चीज़ सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो सर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, मतलब ऑडियंस से बढ़ती नहीं, रिव्यू एक चीज़ है और सिनेमा में जाके फिल्म को सराहना एक दूसरी चीज़ है, तो हालांकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमें इतने अच्छे रिव्यू मिले, बट मेरे लिए सबसे बड़ा रिव्यू होता है ऑडियंस का प्यार, जो मेरे को बहुत मिला है, बट फिर भी आई एम मोर ग्रीडी फॉर दैट। सर आजकल पॉलिटिक्स की बात करें जी, तो हर जगह एक अपने सबके ओपिनियंस होते हैं जी, और आपकी भी कहीं ना कहीं फिल्म थोड़ी सी टिप्पणी करती है पॉलिटिक्स पर, तो कंगना रनौत ने बोला कि हर इंसान को जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है उसका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए पॉलिटिक्स पर और उसको मीडिया के सामने रखना चाहिए, आप इस बात से कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि आपका सवाल मतलब कि एक पब्लिक फिगर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स पर अपनी राय रखना, कितना ज़रूरी मानते हैं? एक पब्लिक फिगर को कि पॉलिटिक्स के बारे में राय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, आप पब्लिक फिगर बाद में हैं, पहले आप भारत के नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, जैसे एक आम आदमी की तरह आपके, बट आपको अपना सेलिब्रिटी स्टेटस मिसयूज़ नहीं करना चाहिए उस राय को लेके, क्योंकि आपको बहुत लोग चाहते हैं, आपको आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, जो आप कहेंगे वो उस पर विश्वास करेंगे, तो जो हमारा काम नहीं है वो शायद हमें ज़बरदस्ती ऐसा कुछ बोलें, बट अगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम कुछ कर रहे हैं उसमें, तो फिर बात बनती है ना बोलने की, कोई एक सोशल वर्कर बोले तो समझ में आती है बात, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है लोगों की सेवा में, कई बार हम कहते हैं ना वो लूज कैनन हो जाता है। बहुत ही इनोसेंट फिल्म का आवाज़ का मुझे नहीं तो जाएगी नहीं सही बात रेडी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है, बहुत इनोसेंट, बहुत ही मासूम और इतनी दिल से बनाई हुई फिल्म है कि मुझे देख के मज़ा आ गया, और जिस तरीके से उसमें राकेश ने बच्चों के साथ काम किया है, जो उन्होंने डायरेक्ट किया, जिस तरह से फिल्म पूरे बच्चे स्लम्स के बच्चे यूज़ किए हैं, अंजलि का काम बहुत अच्छा है, और
आपका दिल जो है एकदम ठंडक पड़ जाती है और इतना वार्म्थ आपके अंदर उसमें आता है फिल्म को देख के। एंड मेरी सबसे गुजारिश है कि ये फिल्म हर एक के देखने के लिए है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है फिल्म। सर आपकी जो फिल्म आने वाली है प्रियंका चोपड़ा के साथ? नहीं अभी तो कोई नहीं, मेरी तो कोई फिल्म नहीं आ रही है, मैं तो अभी सीरीज़ कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स।